हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब तीसरी तिमाही के बारे में जानकारी। तीसरी तिमाही के बारे में अब हम देखते हैं कि तीसरी तिमाही में ये सबसे महत्वपूर्ण समय है आपके पूरे प्रेगनेंसी का। हमने पहले के वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही, दूसरी तिमाही दोनों देखे हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे तीसरी तिमाही के बारे में, क्योंकि तीसरी तिमाही ये एक ऐसा समय है जब आपको पूरी तैयारी करना है आपके प्रेगनेंसी की। तो इसी वजह से जैसे इस तिमाही में आपके क्या क्या लक्षण है जिसको आपको ध्यान रखना है, आपको अस्पताल के लिए कब आना है, आपको अस्पताल आते समय क्या क्या चीजें साथ में रखना चाहिए, किन किन चीजों की तैयारी आपको करनी चाहिए और किन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, कौन से प्रॉब्लम्स है जिस समय आपको पहले भी डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, तो ये चीजें मैं आपको अभी तीसरी तिमाही के बारे में बताऊंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में होने की वजह से इसके मैंने और दो टॉपिक्स के ये किए हैं, योगा की एक अलग, मैंने थर्ड तीसरी तिमाही के योगा का एक अलग वीडियो भी दे रही हूँ आपको, प्लस तीसरी तिमाही में जो एबनॉर्मल पोजिशन है, सीजर या नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और दोनों डिलीवरी के बीच में क्यों होती है, इसमें सीजरियन करने के, सीजर डिलीवरी करने के या ऑपरेशन से डिलीवरी करना क्यों जरूरी पड़ जाता है डॉक्टर के लिए, और ऐसे कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको सीजेरियन की नौबत आ सकती है, और नॉर्मल की भी डिलीवरी के लिए आपसे हमें क्या अपेक्षाएं है, इसका भी एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगी, क्योंकि इसमें करने जा रही थी तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो रहा था, बहुत ही ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये संक्षिप्त में करने के हिसाब से मैं इसमें हर वीक वाइज जो मैं हर प्रेगनेंसी के इसमें आपको सिर्फ स्लाइड्स दूंगी, आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से हफ्ते में किस तरह बढ़ रहा है, कौन से हफ्ते में कौन से बच्चे की चीजें बढ़ रही है, बच्चा कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे कैसे दिख रहा है। तो जैसे पर इसके बहुत डिटेल ना लेते हुए मेन जो है आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है जब आपको आना है उसके ऊपर मैं ज्यादा बातें करूंगी, ना कि आपके बेबी की डेवलपमेंट के ऊपर। ये तो आप खुद भी पढ़कर देख सकते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बेबी का विकास कैसे हो रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि तीसरी तिमाही है मतलब ये 29 हफ्ते से चालू होती है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी 29वें हफ्ते में पहुंच गई है और आपकी डिलीवरी तक, डिलीवरी का समय जो है 37 हफ्ते के बाद कभी भी आ सकता है, जिसे हम फुल टर्म कहते हैं, जब बच्चे का विकास परिपक्व हो जाता है और बच्चे को कांच में रखने का काम नहीं पड़ता, लगभग बहुत नहीं के बराबर में कभी पड़ सकता है, तो जैसे इसे फुल टर्म डिलीवरी कहते हैं। तो फुल टर्म डिलीवरी ये जो है इसे 37 वीक्स के बाद यदि आप डिलीवर होते हैं 40 हफ्ते तक, इस डिलीवरी के 37, 38, 39 और 40वें हफ्ते को हम फुल टर्म डिलीवरी कहते हैं। पर किसी किसी को किसी कारणवश जो है प्रसूति वेदनाएं जो है ये पहले भी शुरू हो सकती है, 37 हफ्ते के पहले भी शुरू हो जाती है, तो 29 हफ्ते के बाद से 37 हफ्ते तक होने वाली डिलीवरी को हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं, मतलब टाइम के पहले डिलीवरी हो जाना, इसे हम प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारी डिलीवरी 37 हफ्ते क्रॉस हो ही हो, ताकि बच्चे को, आने वाला बच्चा के फेफड़े हैं उसका विकास जो है वो इतना अच्छा हो कि उसे आने के बाद में कहीं कांच में रखने का या कुछ आने वाली जिंदगी से लड़ने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, तो जैसे उसे उसका विकास इतना अच्छा हो कि वो बाहर आकर अच्छे से रह पाए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरी तिमाही यह आपका विकास का सबसे बड़ा जो है समय है। इस समय में आप अभी आप बहुत सारी चीजें आपके बच्चे की हलचल आप महसूस करते हैं ऑलरेडी दूसरे हफ्ते के दूसरी तिमाही के बाद से, तो तब से ही आप ये सोचना चालू कर देते हैं कि अरे अब मैं प्रेग्नेंट हूं। तो इस तीसरी तिमाही में आपका बच्चे प्रति अटैचमेंट और बढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा आपके पेट में है तो आपको उसके किक्स महसूस होने लगते हैं, किक्स महसूस है तो आपको उसके प्रति होने वाली जैसे जो ये है अटैचमेंट है ये और बढ़ जाती है। इवन सिर्फ आपको नहीं तो आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड को, सास ससुर को, जो आपके घर वाले फैमिली मेंबर्स है, इनकी भी जैसे जैसे आपका पेट का आकार इस तिमाही में ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगता है और आपका पेट लगभग दिखने अच्छे से दिखने लगता है, लोगों को भी पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप दिन से हैं, तो तब जैसे लोगों के सर में से भी ये पता चल जाता है, हाँ अरे बच्चा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, पेट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो तब आप और भी अटैच बच्चे से फील करती है। तो ये समय है आपका तीसरी तिमाही का,
बेबी शॉवर का समय, आपके घर वाले आपके फंक्शन के लिए जिसको साथ की प्रोग्राम है, साथ का प्रोग्राम या बेबी शॉवर का प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपका सबसे एंजॉयमेंट वाला फेज है, इसमें घर वाले प्लस आप दोनों भी आपके आने वाले बेबी की तैयारी के लिए एंजॉयमेंट के बहुत खुश है, पूरी फैमिली खुश है, पूरा आपका परिवार खुश है, और आने वाले बच्चे के वेलकम के लिए पूरा परिवार एक फेस्टिवल के रूप में हमारे इंडिया में इसे बेबी शॉवर का जो फंक्शन कहते हैं वो करता है। क्योंकि बच्चा इतना अच्छा हो चुका है आज कि इसके लगभग सभी ऑर्गन्स जो है एक एडल्ट ऑर्गन्स की तरह विकसित हो चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर द लंग्स, जो सांस के फेफड़े हैं वो ही सिर्फ इतने मजबूत नहीं हो पाते, और भी बाकी की थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं जैसे और भी मसल्स का विकास है, हड्डियों का विकास है, शरीर का विकास है, ये धीरे धीरे और होना चालू होता है। तो जैसे 29वें हफ्ते से, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, 29वें हफ्ते में, 30वें हफ्ते में बेबी साइट है, साइज का आकार और बढ़ रहा है और बच्चे का वजन बढ़ते जा रहा है, 31वें हफ्ते में कोकोनट के जैसा बच्चा पूरा बन गया है, और बच्चा आप जो खा रहे हैं तो वो जो बच्चा है वो खाने के बाद में वही आपका बेबी पी कर रहा है और वो एमनियोटिक फ्लूइड में उसका स्मेल जा रहा है, तो उसके फ्लेवर्स जो है वो उसको मिल रहे हैं, तो उसको फ्लेवर्स भी समझ में आ रहे हैं बेबी को, क्योंकि वही पी का पानी जो है वो बेबी फिर से पिएगा, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड को स्मेल भी आना चालू हो जाती है। तो जैसे ये विकास आपके बेबी के एक 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 बढ़ना चालू हो जा रहे हैं, और इस तरह आपका बेबी जैसे जैसे 37 हफ्ते के पास जा रहा है, 37 हफ्ते के करीब पहुंचता है, तो एक ऐसा बेबी बन जाता है कि जिसे बाहर आने के बाद भी बिना किसी मशीन के, बिना किसी सपोर्ट के, वो अपनी पहली सांस, पहला क्राय के साथ पहली सांस बहुत अच्छे से ले पाता है, और इस जिंदगी में बाहर की दुनिया में अपने आप को रखने के लिए मजबूती से फेफड़े मजबूत फुला सकता है। इस तरह उसका विकास होना चालू हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। पर यदि 34 वीक्स में सपोज डिलीवरी होगी, 35 वीक्स में डिलीवरी होगी, तो ये बच्चा अभी प्रीटर्म ही कहलाता है, क्योंकि अभी इसके फेफड़े उतने मजबूत नहीं बने। भले इसका वजन अच्छा हो, इसके सर्वाइवल के चांसेस भी न्यूनेटल यूनिट में बहुत अच्छे होते हैं, पर फिर भी इसका वजन, फेफड़े अभी बनने पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। इसीलिए कई पेशेंट मैडम, अब तीसरा तो सीजर ही है मेरा, दो पहले मेरे सीजर हो चुके हैं, अब मैं रह नहीं पा रही हूँ, मैडम प्लीज आप जल्दी से सीजर कर दीजिए। कई पेशेंट है 34-35 हफ्ते में से पीछे पड़ जाते हैं, मैडम मुझसे दर्द ही नहीं सहन हो रहे, पेट का स्कार इतना दुख रहा है, आप कुछ भी करिए, बस बच्चे को बाहर निकालिए। तब मुझे बार बार ये समझाना पड़ता है कि 37 हफ्ते का विकास बच्चे के लिए बहुत अत्यावश्यक है। 37 हफ्ते में बच्चे का जो विकास है, फेफड़ों का जो विकास है, वो इतना अच्छा हो जाता है, बाकी भी चीजें इतनी अच्छी बन जाती है कि बाहर आने के बाद बेबी एक सक्षम बच्चे के जैसे रह सकता है बिना किसी न्यूनेटल सपोर्ट के। तो इसे एनआईसीयू में रखने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। वैसे तो कोई भी बच्चा डिलीवरी के बाद बाहर के एनवायरमेंट में आने के बाद में कैसे बिहेव करेगा बोल नहीं सकते। कई बार 37 हफ्ते के बाद भी आने के बाद में भी बच्चे कई बार अपनी सांस रोक लेते हैं, और इन्हें हमें एनआईसीयू में एडमिट करने का काम पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कई चीजें हैं कि बच्चा कौन से कारणवश अपनी सांस रोक रहा है ये बोल नहीं सकते, पर 37 हफ्ता के बाद में जो बच्चे की मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद में बाहर आने के बाद में बच्चा इतना अच्छा हो जाता है कि उसे एनआईसीयू में रखने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह जैसे ये बच्चे का विकास होते चला है, तो आपके 38 हफ्ते में, 39 हफ्ते में इसमें ब्रीदिंग और अच्छे बनते चली है, 40 हफ्ते तक और अच्छा हो गया है, और बेबी आपका पूरी तरह से 40 हफ्ते में, मतलब 9 महीने 7 दिन की प्रेगनेंसी कंप्लीट यहाँ हो चुकी है। इसके बाद भी आजकल हम कई बार देखते हैं कि कई लोगों को पेन्स नहीं आते और हमें इंड्यूस करना पड़ता है, इसे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं आपका अब टाइम हो गया है और आप अब एडमिशन के लिए आ जाइए, हम फिर बेबी को जैसे हम आपको कुछ जेली या दवा देंगे या इंजेक्शन लगाएंगे या सलाइन लगाएंगे या गोलियां डालेंगे, जिससे कि आपको डिलीवरी के दर्द शुरू हो जाएंगे और फिर इसके बाद में डिलीवरी का प्रोग्रेस होगा, और फिर प्रोग्रेस में बच्चा हो नॉर्मल होता है यानी हम अभी से नहीं बता सकते, कैसा बिहेव करेगा डिलीवरी के समय, कैसा रहेगा लेबर की यात्रा के समय, ये बोल नहीं सकते।
क्योंकि जो है हमारा लेबर जो है, हमारा डिलीवरी का जो समय है, इसे हम लेबर कहते हैं, एक्टिव लेबर का जो समय है, ये जो यात्रा है या 8-10 घंटे की यात्रा है जो बच्चे को अकेले सफर पार करना है आपके योनि मार्ग से निकलने के लिए, और उस सफर में उसको हम स्ट्रेस देते हैं लेबर पेंस का, उसको हम स्ट्रेस देते हैं कम पानी का, कई बार ओवर मैच्योरिटी का, कई बार आवल ज्यादा पक जाने का, कई चीजें हैं माँ के भी जो इसे स्ट्रेस बच्चा महसूस, जिससे स्ट्रेस महसूस कर सकता है। तो इस डिलीवरी के स्ट्रेस में बच्चा लेबर के पेंस कैसे सहन कर पाएगा ये वक्त ही बताता है। इसीलिए डिलीवरी के पहले नॉर्मल या सीजेरियन हम कतई नहीं बता सकते, अंदाज जरूर दे सकते हैं कि भाई हाँ 90% हो जाएगा, 95% चांसेस है नॉर्मल के, पर 100% कोई भी डॉक्टर कभी भी आपको बता नहीं सकता कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। यदि आप चेकअप को आ रहे हैं, हाँ लेबर में आ रहे हैं और आपका पूरा मुंह खुला है और बच्चा नीचे है तो हम बोलते हैं हाँ भाई इसका नॉर्मल हो जाएगा, पर यदि आप प्रेगनेंट चेकअप के लिए आ रहे हैं, आपको दर्द अभी शुरू नहीं हुआ है, आप रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो हम यही बता सकते हैं कि भाई आपके चांसेस कैसे हैं लेबर के स्ट्रेस में, जो लेबर का स्ट्रेस है या आपका बेबी आपके पेट आपकी सेहत के हिसाब से कितना सहन कर पाएगा। तो ये नॉर्मल के तरफ ज्यादा चांसेस है या सीजर की तरफ ज्यादा चांसेस है या कैसा होगा, संभावना किस चीज की ज्यादा है, पर 100% बता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस ये जो है तीसरी तिमाही में ये क्या क्या होते हैं। तो हमारे स्ट्रेच मार्क्स जो है ये पेट के ब्रेस्ट पे, थाइस पे या आना चालू हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। यदि हम इसे खुजली करते हैं, नाखून लगाते हैं, तो ये जो पिंकी स्ट्रेच मार्क है ये काले में परिवर्तित होते हैं, और यदि काले दाग पड़ जाए नाखून से जो पड़ते हैं ये कभी नहीं निकल पाते, पर हाँ यदि पिंकिश है तो डिलीवरी के बाद में ये धीरे धीरे और लाइट हो जाते हैं। इवन काले भी दाग थोड़े से फेंट जरूर हो जाएंगे कई बार, पर फिर भी दिखेंगे, पर पिंकिश यदि है तो वो इतने डिलीवरी के बाद में फेड हो जाते हैं कि बाद में दिख भी नहीं पाते, आप मेकआउट भी नहीं कर पाते कि आपको स्ट्रेच मार्क्स थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खुजली ना करें, प्रेगनेंसी में नाखून बिल्कुल भी पेट को ना लगाए। इसीलिए पेट को यदि ड्राई स्किन हो रही है, इसकी वजह से इचिंग हो रही है, तो आपको पेट को स्किन को जो है सपल करना है। तो पेट की स्किन है, ब्रेस्ट की स्किन है, थाइस की स्किन है, इसे मैं कहती हूँ कि सिंपल नहीं तो घर में कोबरा तेल है, कोबरे तेल में कपूर मिला के लगा लो, सफल रखो, ग्लिसरीन मिला के लगा लो, सफल रखो, बायो ऑयल लगाइए, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो लगाइए और आपके स्किन को नरम रखिए ताकि आपको इचिंग ना हो। इस दौरान आपका बेबी वजन से ज्यादा बढ़ रहा है, तीसरी तिमाही में वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी थकान भी और ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको जैसे इसमें रेस्ट भी उतना ही जरूरी है, काम के साथ में रेस्ट होना भी जरूरी है। कई लोग जो है इसके अंदर किसी किसी को लैट्रिन में जैसे पाइल्स की शिकायत हो जाती है, पाइल्स की शिकायत के समय कई लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन जो रहता है प्रेगनेंसी की वजह से, तो ड्यूरिंग डिफिकेशन जोर लगाने की वजह से कई बार लैट्रिन की जगह में से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि आपको जितना हो सकता है पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, पेल्विक एक्सरसाइजेस अच्छे से कीजिए, सोते समय भी जैसे हम कहते हैं कि भाई लेफ्ट साइड में करवट पे ही सोइए, सोते समय दो घुटनों के बीच में पिलो रखकर सोइए, जैसे ज्यादा समय के लिए जिनको पाइल्स है वो हेमरेड्स है वो ज्यादा समय के लिए बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए चेंजेस करते रहना जरूरी है। इसमें आप पाइल्स के लिए उस पर आइस भी लगा सकते हैं और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, तो ताकि हम जैसे इसमें लोकल एप्लीकेशन की क्रीम देते हैं यदि ये पेनफुल है तो, या फिर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही है और बाकी इतना ज्यादा नहीं है, एक बार ही कभी ब्लीडिंग हुआ, तो कई बार हम लोग जो डुफेलक वगैरह की जो सिरप लेते हैं तो उससे भी जैसे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, सॉफ्ट स्टूल्स बनते हैं, स्टूल सॉफ्टनर हम आपको देते हैं तो उससे स्टूल सॉफ्ट होने की वजह से भी कई बार हेमराइड्स कम होते हैं, नहीं हो पाते। हार्ट बर्न जो है ये पेट में जलन जो है ये बहुत ज्यादा होती है तीसरी तिमाही में, क्योंकि आपका बेबी भी बढ़ रहा है, गर्भाशय का आकार भी उसके साथ में बढ़ रहा है और वो आपके पेट को नीचे दबा रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा इसमें प्रेगनेंसी में छोटा खाना, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना जरूरी है, छोटा खाइए, बार बार खाइए, और फैटी चीजें, स्पाइसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करना है,
ज्यादा खट्टी चीजें, ज्यादा नमकीन चीजें एकदम अवॉइड करना है। पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जितना हो सकता है ढीले कपड़े पहनिए, ठीक है। तो ये सबसे, जैसे आपको ठंडा दूध वगैरह पीने से भी हार्ट बर्न काफी कम हो जाता है। किसी किसी को नीचे की तरफ दुखने लगता है, तो एकदम सडन जर्क लगते हैं आपके, सडन मूवमेंट होता है, बेंडिंग होती है, या कभी कभी एकदम जोर से खांसी आ गई या छींक आ गई, तो भी ये सब चीजें हो सकती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट के बाद में ये सडन ग्रोइन पेन वगैरह भी कम हो जाता है, तो ऐसा कुछ डरना नहीं है इसमें। जो अभी कभी ये भी कंप्लेन होती है कि सांस लेने में तकलीफ है, सांस बराबर नहीं आती, ये सांस कई बार बीच बीच में रुक जाती है, तो इसके लिए भी आपको ये है कि आपको योगा करना जरूरी है, अच्छे से पोस्चर मेंटेन करना है, बॉडी का प्रॉपर रेस्ट होना जरूरी है, नींद यदि बराबर नहीं हो रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रात में इस दौरान नींद बहुत कम हो जाती है, तीसरी तिमाही में नींद नहीं हो पाती, क्योंकि बेबी के मूवमेंट से कई बार हम सो नहीं पाते हैं, कई बार बेबी की हलचल इतनी ज्यादा होती है कि हम उसकी वजह से बार बार उठ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रात में सोने के पहले एक रिलैक्सिंग बात लीजिए। पहले तो मैं कहती हूँ कि रात के खाने के बाद में हस्बैंड के साथ में अच्छे से वॉक पे जाइए, 1 किलोमीटर बढ़िया वॉक करके आइए, थकान होने के बाद में आपको नींद जल्दी आ जाएगी, वॉक से आने के बाद में रिलैक्सिंग बात लीजिए ताकि आप अच्छे से सो पाए, सोते समय अच्छे से गर्म दूध पी लीजिए तो नींद और अच्छी गहरी आएगी। कई बार जैसे हम इसमें ब्रीदिंग के भी एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी करने के लिए बोलते हैं, सोते समय आप लाइट म्यूजिक सुनेंगे तब भी आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो इन सब चीजों से भी जैसे आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, छोटी छोटी घरेलू चीजें आप ध्यान रखेंगे तो भी आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। मसल क्रैम्प्स किसी किसी को बहुत होते हैं इस दौरान, तो ये कई बार कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कमी की वजह से होते हैं, तो इसीलिए यदि जब भी आप मसल क्रैम्प तीसरी तिमाही में महसूस करना चालू कर देते हैं, कई लोग तो दूसरी तिमाही से ही चालू कर देते हैं महसूस होना, तो तुरंत डॉक्टर को बताइए ताकि आपको मैग्नीशियम कैल्शियम विटामिन डी की गोली आपको डॉक्टर अलग से चालू करे ताकि मसल क्रैम्प्स कम से कम हो आपको। इसमें आपको बहुत ज्यादा थकान होती है तो भी मसल क्रैम्प्स आते हैं, पैर को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए और पैर को स्क्वीज करने की, मतलब उंगलियों की जो पैर की एक्सरसाइजेस है वो आपको करना जरूरी है, तो उसमें स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग ये आपको मसल्स को पैरों के करना है ताकि आपको मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग लेबर पेंस ना आए। तब नहीं तो कई बार उनके इतने जकड़ जाते हैं कि वो डिलीवरी के पेन से ज्यादा उससे परेशान होते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि जैसे कैल्शियम की मात्रा अच्छे से लीजिए, खाना कैल्शियम युक्त खाना अच्छे से खाइए ताकि ये चीजों को आपको फेस ना करना पड़े। कई बार किसी किसी को बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, किसी को बार बार पी को जाना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि भाई एक्सरसाइजेस तो करना ही है कि यूरिन की जगह होल्ड करके रखना है, धीमे धीमे छोड़ना है, तो इसे हम कीगेल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो जो यूरिन की जगह उसको अंदर की ओर खींचना है, सांस अंदर की ओर लेके अंदर खींच के यूरिन की जगह रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है, और बार बार हो रहा है तो जाइए, कुछ नहीं होता है, जाना ही है आपको, ठीक है। कई लोगों को बीच बीच में थोड़े थोड़े लेबर पेंस, फॉल्स लेबर पेंस बोलते हैं इसे हम, झूठे मिंदे दर्द जो बोलते हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, कि एक्चुअली ये ट्रू लेबर पेंस नहीं है, ये झूठे दर्द है। ये क्यों होते हैं, तो ये नेचुरली भी जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो गर्भाशय के जो मसल्स है वो बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो मायोमेट्रियम की जब मसल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं तो इसकी भी जैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, तो इसके जैसे ऐसे 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 कॉन्ट्रेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, तो ये समझो पहले एकदम कम थे, 5 से 5 मिलीमीटर के करीब थे, तो अभी करीबन 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं। जब एक्चुअली 20 मिलीमीटर को क्रॉस करते हैं तब हम ट्रू लेबर पेंस के पेंस स्टार्ट होते हैं ऐसा समझते हैं, तो पेंस जो है वो हम तब महसूस करते हैं, ट्रू जो पेंस है जब 20 मिलीमीटर को क्रॉस कर देते हैं, पर उसके पहले जैसे 8 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, तब ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका समय डिलीवरी का नजदीक आ रहा है, तब ये जो पेन की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जाती है, तो ये मसल जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन का पावर जो है मायोमेट्रियम के गर्भाशय के मसल का ये बढ़ते जाता है, और इसे हम ब्रैक्सटन हिक्स या झूठे दर्द बोलते हैं। और झूठे दर्द हमें ये 90 महीने में ज्यादा आते हैं यूजुअली, क्योंकि इसके बाद ही इसी की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़कर हमारे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। ये पेन्स मेनली हमारे सर्विक्स को, जो बच्चेदानी के मुंह को है, वो नरम पड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको सहन करना है, इससे आपके बच्चेदानी का मुंह पतला होएगा और नरम पड़ेगा, जिससे कि लेबर पेंस के साथ में जल्दी मुंह खुल जाएगा, तो जैसे इसमें इसको हेल्प करता है, तो इसमें कोई
डरने की बात नहीं, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि लेबर ये जब आना चालू हो जाते, झूठे दर्द आना चालू हो जाते, तो ऐसा समझिए कि आपको आपके हॉस्पिटल की लेबर किट तैयार करना है और आपको आपकी डिलीवरी की तैयारी हो जाना चाहिए, ताकि आपको कभी भी अस्पताल जाने का काम पड़ सकता है, आपको कभी भी कोई भी इसमें जैसे। और तीसरी तिमाही में यह होता है कि कई लोगों को लगता है कि अरे मेरे को पेंस आ रहे, अरे मेरे को पेंस आ रहे, तो इसके बारे में आप डॉक्टर से समझिए कि कब एक्चुअली होता है, तब आपको कब आना है, कैसा है, तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से बताएंगे। ब्रेस्ट चेंजेस जो है ये तीसरी तिमाही में सबसे अधिक होते हैं, ब्रेस्ट साइज में बढ़ जाते हैं, ये अभी प्रिपेयर हो रहे हैं आपके बेबी को फीडिंग करने के लिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, स्तनपान के लिए हमारे ब्रेस्ट का बढ़ना जरूरी है। तो ब्रेस्ट का साइज, शेप, ग्लोबुलर आकार हो जाता है, कई बार तो इसमें से येलोइश डिस्चार्ज निकलता है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। निप्पल्स का साइज भी बढ़ जाता है, उसके बाजू का काला जो पोर्शन है एरियोला, इसका भी साइज बढ़ जाता है, वहां वो डीप काला, उसका कलर भी और काला गहरा होने चलता है, वहां मोंटगोमेरी के ट्यूबरकल्स जैसे जो आते हैं, ऐसे छोटे 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 ट्यूबरकल्स भी दिखते हैं। तो ये जैसे काफी सी चीजें होने लगती है आपको, ब्रेस्ट में चेंजेस होने लगते हैं, तो हम इसमें हमेशा आपको यही कहते हैं कि एक साइज ब्रा बड़ी पहनिए, जो आप दूसरी तिमाही में ब्रा का साइज पहन रहे थे उससे एक साइज बड़ी ब्रा अभी पहनिए, ताकि और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा हो सके और आपके बेबी के लिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में स्तनपान हो सके, ताकि बेबी को प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो आपको अब तैयारी करनी है ब्रैक्सोनिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही आपके लेबर किट की। लेबर किट में आपको क्या क्या लेना है, तो ऐसे तो देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्या ले जाए क्या ना ले जाए, वो सभी जन सोचते रहते हैं ये क्या है वो क्या है क्या ले। मेरा तो यह कहना है आपके बच्चों के कपड़े जो है, जो भी आपको बेबी के कपड़े जो है, इंडिया में तो यही रिवाज है कि हम पुराने ही कपड़े पहनाते हैं, एकदम डायरेक्ट नए नहीं पहनाते। आप उनको एक बार से जैसे पूरा अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, पूरी तरह से सुखा के, प्रेस करके आप बैग में भर लीजिए। एटलीस्ट 4 सेट तो भी आपके बेबी के कपड़ों के होना चाहिए अस्पताल में आते समय। उसमें जैसे बेबी का ड्रेस है, नैपी है, कैप है, नीचे सुलाने का कवर है, ऊपर का ओढ़ाने का कवर ओढ़ना है, रबर है, ये चीजें बेबी के नैपी वगैरह बेसिक चीजें हम अस्पताल की तरफ से प्रोवाइड करते ही हैं। होते ही हम बेबी को अपना अस्पताल की तरफ से ड्रेस देते ही हैं, जो कभी नहीं ला पाते, जो इमरजेंसी में तुरंत आ जाते हैं, पर हम सभी को अस्पताल में देते ही है। पर आपको इन चीजों में से, इसमें कई चीजें ये है कि जो हमें जरूरत भी नहीं है, जैसे हम कई बार मेकअप का ब्रश और हेयर टायर, ये वो मॉम के लिए इतनी चीजें जरूरत नहीं है। एक ओवरऑल लिस्ट जो थी वो मैंने नेट से निकाल के आपके समक्ष रखी है। हमारे लिए हमें बेसिक चीजें है, हमारा टूथब्रश, हस्बैंड का टूथब्रश जो आपके साथ में रहने वाला है उनके लिए टूथब्रश है, आपका एक कंघा है, आपके 2 जोड़ी कपड़े हैं, बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े हैं, दैट्स ऑल। साबुन भी अस्पताल में मिल जाता है, अस्पताल से बेबी के लिए हम बेबी का साबुन भी देते हैं, ये फर्स्ट क्राई वाले हमें फ्री सप्लाई देते हैं, तो हम ये हर मदर को उनकी तरफ से ये किट देते हैं कि जिसमें बेबी का नैपी भी होता है, साबुन भी होता है, और बेबी को कपड़े हम हमारी तरफ से ही देते हैं, ताकि वो स्टराइल कपड़ों में हम बेबी को दे, ये हमारा उसमें उद्देश्य है और कुछ नहीं। कि भाई जो सारे कपड़े हैं जब बेबी के मंगवाते हैं हम, तो हम उसे जैसे स्टराइल E2O2 से स्टराइल करके मंगवाते हैं, ताकि स्टराइल कपड़ों में हम आपके बेबी को दे पाए। आप उसके साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट है अकोला में, इसकी जरूरत होती है, आपके फोन चार्जर है जिसके लिए जरूरी है, ये आपको रखना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं, वाटर बॉटल्स है पानी के लिए, जो बेबी के लिए स्पून कई बार नहीं आ पाता है तो हम कहते हैं कटोरी और स्पून साथ में रखिए, हम उसमें से पिलाना सिखाते हैं, तो कई बार नहीं आता है तो एक्सप्रेस करके साथ साथ वो भी देना, यदि बहुत ही मिल्क कम है तो वो भी देना पड़ता है। कई बार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हुई पहले 3 दिन में, तो कई बार हमें टॉप फीड में से भी थोड़ा सा देना पड़ सकता है यदि बेबी का वजन अच्छा है। तो ये कुछ चीजें आपको साफ रखना है। कौन सी वो टाइम है जब आपको अस्पताल में आना है, वो क्या वार्निंग साइंस है जब आपको डॉक्टर को दिखाना ही जरूरी ही है। तो जैसे यदि तीसरी तिमाही में आपको यदि नीचे से ब्लीडिंग, यूनिमार्क से ब्लीडिंग या लीकिंग हो रहा है, या किसी पानी पेशाब के जैसा पानी जा रहा है जिसे हम लीकिंग कहते हैं, तो लीकिंग हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको डॉक्टर अस्पताल में तुरंत जाकर दिखाना है। भले ही आपको लेबर पेंस ना हो,
पर आपको पानी जाना चालू हो गया तो आपको डॉक्टर को दिखाना तुरंत जरूरी है। आपको आंखों से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, सरदर्द बहुत ज्यादा है, बीपी बढ़ा हुआ है, आपको बुखार है, आपको हेडेक है, साथ में वॉमिटिंग है, बैकएक बहुत सीवियर है, पेट कड़क होने लगा है, सामने कॉन्ट्रैक्शंस एक्चुअली आने लगते हैं। एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ये यूजुअली बैक से चालू होके सामने की तरफ आके पेट की तरफ आके फिर पेट कड़क होने लगता है। तो इस तरह यदि पेट फ्रीक्वेंटली कड़क होने लगा है, बेबी की मूवमेंट्स किसी कारणवश आपको कम महसूस हो रही है, अति ज्यादा महसूस हो रही है, तब भी आपको अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने जाना जरूरी है। यदि आपको कभी कभी झटके आते हैं, बीपी ज्यादा बढ़ जाता है, हेडेक वगैरह की वजह से आप नहीं ध्यान दिए, तो कई बार किसी को झटके आते रहते हैं, ऐसा कभी होता है तो भी आपको तुरंत अस्पताल में जाना जरूरी है। यदि आपको यूरिन में जलन है, पेन है, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग है, शरीर पे स्वेलिंग है, पर आपको पेन्स नहीं है पर स्वेलिंग आपका बढ़ रहा है, तो भी आपको अस्पताल में जाना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आपको ये वार्निंग सिम्टम्स जो साइंस है ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसके समय आपको जाना अस्पताल में जरूरी है। तीसरी तिमाही में डॉक्टर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन फिर से करेंगे, जैसे नवे महीने का हमेशा मुझे ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन, थायराइड का चेकअप है, क्रिएटिनिन है, ये सब चीजें है, एक नवे महीने का ग्रोथ स्कैन है, सोनोग्राफी है। यदि पानी कम लगता है तो डॉक्टर कह सकते हैं, यदि पानी कम लगता है तो कई बार मैं एनएसटी करने की भी सलाह देती हूँ कि जैसे बच्चे का ईसीजी ग्राफ निकालते हैं तो, और इसमें देखते हैं कि बच्चे के जो मूवमेंट्स है वो आपको कितनी बार महसूस हो रहा है, वो मूवमेंट के साथ में बेबी की मूवमेंट के साथ में बेबी का सोमेटिक एक्टिविटी वो ईसीजी पे कैसा है, तो उसके मूवमेंट के साथ में उसके हलचल बच्चे की ईसीजी निकाल के देखते हैं कि कैसी है, तो इसे हम एनएसटी कहते हैं। तो ये भी चीजें हम कभी करने को कहते हैं यदि कुछ आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जा रही है, तो जैसे कि आईयूजीआर है, पानी की ग्रोथ कम हो जाना, पानी कम हो जाना है बच्चे के बाजू का, जैसे हम ऑलिगोहाइड्रामनियास कहते हैं, या कई चीजें हैं जिनके अंदर भी हम ये कहते हैं। आपको प्रेगनेंसी में अभी क्या करना चाहिए, तो तीसरी तिमाही में आपको करने की ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको डेली आपको फिटल मूवमेंट काउंट रखना जरूरी है। सुबह आप 9 बजे से उठते हैं तो रात में 9 बजे तक सोने तक आपको टोटल 12 घंटे के अंदर आपको कम से कम 10 मूवमेंट तो भी महसूस होना चाहिए, मतलब बेबी की मूवमेंट नॉर्मल है। पूरा पहले जैसा बेबी कई बार 37 हफ्ते के बाद घूमेगा नहीं, घर घर नहीं घूमेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो बच्चे के आजू बाजू का स्पेस कम हो जाता है, तो वो घूम नहीं पाता है 32-33 हफ्ते के बाद, 34 हफ्ते के बाद वो अपनी पोजिशन फिक्स कर लेता है, तब आपको सिर्फ किक लगेगी, तो ये किक आपको काउंट करना है। तो 10 किक आपको 12 घंटे में हो रही तो ये नॉर्मल है। आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा से ज्यादा करना है इस समय में, ताकि आप रिलैक्सिंग भी महसूस करें और आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो। डिलीवरी को के लिए तैयार करने के लिए आपकी बॉडी को आपको तैयार करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, ठीक है। इसके अंदर एक मैं एक्सरसाइज हमेशा कहती हूँ कि स्वेटिंग एक्सरसाइज जो करना है वो सबसे ईजी होती है, तो इसके लिए मैं कहती हूँ सबको कि स्वेटिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो पुराने लोग हमारे कहते थे कि मॉपिंग करो। मॉपिंग करने से, फ्लोर मॉपिंग करने से, जैसे स्क्वैट पोजीशन में हम बैठते हैं और मॉप करते हैं, स्क्वैट पोजीशन में बैठ के हम कपड़े पे प्रेस करते हैं, दैट्स वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, पर ये जरूरी नहीं है। मुझे एक डॉक्टर का फोन आया था कि मैडम आप ऐसा एडवाइस करते क्या, इससे क्या फायदा है, तो मैंने यही बताया था कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मॉपिंग करने से, इट्स अ स्क्वैटिंग पोजिशन में पेशेंट को बैठने की आदत होती है, तो उस तरह से वो पैर डिलीवरी के समय भी होल्ड कर पाता है, कई बार ये इतने समय तक स्ट्रेच रख पाता है। आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको स्तन की केयर लेना इस तिमाही में बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना, हीमोग्लोबिन कम से कम 10 ग्राम हो इसका देखना आपको जरूरी है। तो आपके बॉडी को आपको डिलीवरी किस तरह होती है इस तरह को प्रिपेयर करना है कि मुझे ये दर्द सहन करना है। आपके मन का तैयारी, मन की तैयारी डिलीवरी के लिए ये अत्यावश्यक है, क्योंकि आज के हम न्यू जनरेशन में काफी देखते हैं कि थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाते हैं और पेशेंट कहता है कि मैडम अब मैं दर्द सहन नहीं कर पाते, और इस वजह से ये सीजर करना चाहते हैं क्योंकि ये दर्द नहीं सहन कर पाते, क्योंकि ये नीचे है बच्चा पर फिर भी मैडम मेरे से दर्द सहन ही नहीं होता। तो आपको मेंटली जब तक आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे डिलीवरी के लिए, वो नॉर्मल रहे या सीजर रहे, तब तक आप अपने आप को ओपनली डिलीवरी के लिए तैयार नहीं करेंगे। आपको खाना अच्छा खाना है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट अच्छे से लेना जरूरी है। आपको
सारे आपके जो भी पूछ क्वेरीज है डिलीवरी के बारे में वो आपके डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें देखना करना ही है। और आपको क्या नहीं करना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में हमेशा मना करते हैं, मैं कहती हूँ कि हमेशा सोते समय लेफ्ट लेटरल पोजिशन में ज्यादा से ज्यादा सो, ना कि उल्टा या सीधा, पीठ पे या पेट पे सोना नहीं है आपको। जो भी कोई स्ट्रेस की चीजें आजू बाजू में घर का वातावरण हो या कोई भी चीजें हो उससे दूर रहे, और मतलब एग्जर्ट ना करें अपने आप को। अपने आप के लिए 2 घंटे दोपहर में और रात के 8 घंटे, कम से कम 10 घंटे नींद होना जरूरी है। ना भी नींद आ रही आपको तो कम से कम उतना घंटा 10 घंटा तो भी रेस्ट करना सीखिए, रेस्ट करिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्टेयर केस होती है किसी किसी के घर में, रोज 45-50 2-3 बार चढ़ना होता है। तो मैं कहती हूँ कि 9वां महीना आने तक, 37 महीने हफ्ता होने तक आप थोड़ा सा कम करिए स्टेयर केस, ज्यादा चढ़ना उतना मत करिए। 37 हफ्ते के बाद में हाँ बच्चा फुल टर्म हो गया फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूल्स पे वगैरह हाई हील्स पहनना ये थोड़ा सा अवॉइड करना है, स्टूल पे चढ़ना नहीं है, हील्स नहीं पहनना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, पोस्चर अपने बॉडी का मेंटेन रखना है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रीनेटल एक्सरसाइजेस थर्ड ट्राइमेस्टर का एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगी, तो जिसके अंदर आपको 5-6 एक्सरसाइजेस सिखाएंगे हमारे स्टाफ, तो मेरी मैडम। फिर भी मैं ये 2 एक्सरसाइजेस आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, तो आप ये देखिए कैसा है, जिसमें एक है कैट पोज और एक है बटरफ्लाई पोज। तो चलो बटरफ्लाई पोज हम पहले देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सालेहा और दीपाली सिस्टर आपके लिए लेकर आए हैं बटरफ्लाई पोज। सबसे पहले अपने दोनों तलवों को इस तरह जोड़ लें और अपने हाथों को अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ लें। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हिलाएं, जैसे बटरफ्लाई अपने पंख हिलाते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना हिला सकते हैं पैर, पास भी पास भी कर सकते हैं। कम से कम 10-15 मिनट रोजाना करें। धन्यवाद। और दूसरी ये एक्सरसाइज है ये कैट पोज की, जिसमें भी बैक के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बैक कैसे होती है। मैं डॉक्टर साले और दीपाली सिस्टर आपके लिए लेकर आई हूं कैट स्ट्रेच पोज और मांझवीआसन। सबसे पहले अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं अपनी गर्दन और पीठ एक लाइन में लें। गहरी सांस लें और अपनी हनुमटी ऊपर की तरफ कर ले जाएं, कमर को धनुष आकार देकर ऊपर और अपनी पीठ स्थिर अवस्था में रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए सर को छाती की तरफ लाएं इस तरह आपको बैक को जो है ये ऐसे और ऐसे, जब आप ये आ रहे हो तो ऐसा कर्वेचर और ऐसा कर्वेचर, तो जैसे आपका जो बैक है डिले जो बैक पेन बहुत होता है तीसरी तिमाही में, ये इससे बहुत कम से कम रहेगा। तो ये कम से कम बैक को ये रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। डाइट के बारे में तीसरी तिमाही में आपको क्या खाना है, तो डाइट का डिटेल में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है राठी हॉस्पिटल के वीडियो में, वो देख सकते हैं। सिर्फ आपको एक यहाँ पे एक रेडी रेकनर होना, इसीलिए आपको क्या खाना है तो ये जैसे एक मैंने जस्ट चार्ट दिया है,
कि मैग्नीशियम प्रोटीन कैल्शियम रिच फूड लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, आयरन भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन कैल्शियम लेवल मैग्नीशियम लेवल इतनी अच्छी मेंटेन रहे कि आपके मसल क्रैम्प्स ना हो। कैल्शियम अच्छा रहने से और हीमोग्लोबिन अच्छा रहने से डिलीवरी में आपका सपोर्ट मुझे डिलीवरी के लिए या आपके डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको खाने के लिए जो करना है तो आप उसका वीडियो अलग से डाइट का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आपको अभी अब जैसे इसके लिए मैंने आपके लिए और हेल्दी टिप्स जो है तीसरी तिमाही के ये और लेकर आए हैं। तो ये हेल्दी टिप्स मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट फूड लेना है, हेल्दी डाइट बैलेंस डाइट होना जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स या डिहाइड्रेशन ये ना हो। कम से कम कॉफी लीजिए, स्पाइसेस अल्कोहल नहीं लीजिए, जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, अनपाश्चराइज मिल्क नहीं लेना है, चिकनी चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह आपके लिए ये ब्रेकफास्ट और इसका भी पूरा चार्ट मैंने ऑलरेडी डाइट में दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको कैसा करना है। कई बार हमारे ये होते हैं कि अभी अब मिथ्स होते हैं कि तीसरी तिमाही में ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो कैसा करना है। तो अभी ग्रहण आके गया तो कई लोगों के मन में रहता है कि भाई ग्रहण के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पेशल बहुत सारी चीजें रहती हैं तो फॉलो करना ऐसा है वैसा है। प्रूवन स्टडीज कुछ भी नहीं है, इम्पैक्ट ऑफ फुल मून या ग्रहण का कोई भी प्रूवन स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि फुल मून का एक स्टडी अभी रिसेंटली एल्सवेयर के जर्नल में भी आया है, वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। पर ग्रहण का अभी फुल स्टडीज ऐसे कुछ दिए नहीं है, पर फिर भी यदि आपके घर वाले कहते हैं तो फॉलो करिए, घर के बाहर ना निकलिए, इसमें कोई हार्म तो नहीं है कि हम फॉलो ना करें, पर हाँ इसके अंदर वही चीजें फॉलो करिए जो आपको करना चाहिए। जैसे घर के बाहर नहीं निकलना है, बासी खाना नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है, 8 घंटे किसी को देखना नहीं है, कोई मेटल साथ में नहीं रखना है, ठीक है इससे कोई हार्म नहीं। पर जब यदि घर वाले कहते हैं कि नहीं लंबे समय तक आपको भूखा रहना है, पानी नहीं पीना है, मैं बोलूंगी नहीं, बच्चे अपने आप को डिहाइड्रेट या बच्चे को भूखा ना रखे, ठीक है। खाना खाने से कुछ भी नहीं होता, ग्रहण में भी आप खाना खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो उतनी चीजें मानिए जो मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी शास्त्र के इसके रिसर्चेस इतने नहीं है कि जिसके ऊपर हम बहुत ही दावे के साथ कुछ कह सकते हैं। जैसे इम्पैक्ट ऑफ फुल मून, कि फुल मून में जैसे दर्द जल्दी शुरू हो जाता है या कुछ होता है या पानी शुरू हो जाता है, स्पॉन्टेनियस लेबर में जाता जाते हैं, ये बोलते हैं। तो अभी एक रिसर्च उसका आया है कि हाँ आपने जो प्रेशर्स है वो इस तरह डेवलप होते हैं कि कई बार जो लेबर पेन से फुल मून में जल्दी शुरू हो सकते हैं। पर 100% अभी भी एक ही स्टडी के बेस पे हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। ऐसे कई चीजें हैं जो हमें माननी नहीं चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई स्किन को मॉइस्चराइजर लगाने से भी स्ट्रेच मार्क नहीं आते, ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपको कि कई बार स्किन आपने सपल रखना जरूरी है, पर साथ में उसके ऊपर नाखून के निशान ना आने, ठीक है। तो ये जैसे नाखून के निशान आ गए तो ये कभी जिंदगी भर नहीं निकलेगा। कोई कोई कहता है कि आखिरी आखिरी में बेबी बिल्कुल ही नहीं मूव करता, इसीलिए हम कभी आए नहीं। तो एक पेशेंट तो मेरे पास था 2-3 दिन पहले, लगभग बेबी के गया होगा पेट में, पर पेशेंट को पता ही नहीं चला कि बेबी पेट में चला गया, क्योंकि मैडम 9वें महीने में तो घर वाले कह रहे थे कि मूवमेंट होती ही नहीं है बेबी की, बेबी की पूरी मूवमेंट घर घर नहीं होगी, पर एटलीस्ट किक आपको महसूस करना जरूरी है, जिसे हम DFMC कहते हैं, डेली फिटल मूवमेंट काउंट, जिसका की वीडियो आप अलग से देख सकते हैं, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। डेली फिटल मूवमेंट का काउंट, किक मूवमेंट भी रहे तो भी आपको सुनना मतलब किक महसूस करना जरूरी है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि मैडम डिलीवरी तो ड्यू डेट पे ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। केवल 4% डिलीवरी जो है ये आपकी ड्यू डेट पे होती है, अदरवाइज 75% डिलीवरी जो है आपकी ड्यू डेट से पहले हो जाती है और बाकी की फिर ड्यू डेट के बाद में होती है, ठीक है। बेबी का वेट अल्ट्रासाउंड में तो इतना ही दिया था, अभी मैडम डिलीवरी में इतना कैसे आ गया, 8 दिन में इतना कैसे आ गया, तो अल्ट्रासाउंड से अप्रोक्सीमेट वेट निकलता है। ये 100% बेबी का वेट उतना ही होता नहीं है, क्योंकि ये सारी जैपनीज मशीन्स है, ये जो मशीन्स है ये बोन के बेबी के बोन्स के आकार के हिसाब से वजन बताती है, पेट के साइज के हिसाब से वजन बताती है, और हम इंडियंस हैं तो थोड़ा सा प्लस माइनस 200 ग्राम्स का, 250 ग्राम्स का या 20% का हमेशा प्लस माइनस लिखा ही रहता है साथ में,
और आपको ये समझना है कि ये प्लस माइनस 20% के साथ में आपको वजन देखना है, वो आपको जो वजन दिया है वो प्लस 20% भी हो सकता है, माइनस 20% भी हो सकता है। एग्जैक्ट वजन कई बार नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम करने से या बहुत हेवी वेट उठाने से, मैंने तो पूरा 9 महीने काम किया फिर भी मुझे अभी दर्द क्यों नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। कोई काम करने से दर्द नहीं होते हैं, या मैंने जो बताया कि मॉपिंग करने से, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो मैडम फर्स्ट फ्लोर बहुत पोछी फिर भी मेरे नॉर्मल नहीं हुई, ये एक एक्सरसाइज है मसल्स को रिलैक्स करने के। इसका मतलब ये नहीं कि 100% नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल करने के लिए ये एक्सरसाइज है, ऐसा कतई नहीं है। ये आपके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज है, ताकि आपके मसल्स अच्छे से वर्क करे। आपको तब जब आपको पैर पकड़ने के लिए हम बोले, बेयर डाउन करने के लिए बोले, जब दर्द लगाने के लिए बोले, तो आपको पैरों में तनाव या खिंचाव ना महसूस हो, उसके लिए एक्सरसाइज है। हेवी वेट वगैरह कुछ आपको इसमें उठाने से, कभी वजन वगैरह उठाने से कोई लेबर इंड्यूस नहीं हो जाता। तो ऐसे कई मिथ्स है जो हम समझते हैं कि ये कई लोग बोलते हैं कि बेबी हर टाइम घूम रहा है, मतलब बेबी बहुत एक्टिव है। ये आज हम कभी कुछ नहीं बता सकते कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बेबी एक्टिव है नहीं है, कैसा है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये आपको ये बहुत सारे चीजें जो हम लोगों से सुनते हैं, सबसे सुनते रहिए, पर जो है आपके जो क्वेरीज है आपके डॉक्टर के साथ हमेशा शेयर कीजिए। आपसे अपने डॉक्टर से समझिए कि इसमें सच्चाई कितनी है और मिथ्स कितने, और उस हिसाब से उनके हिसाब से ये समझ के चलिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, स्ट्रेस फालतू का अननेसेसरी का इसकी वजह से ना बढ़ाए। तीसरी तिमाही में लगने वाले वैक्सीनेशन है, हम एक बूस्ट्रिक्स या टीडैप करके एक वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें टिटनस, डिप्थेरिया और असेल्युलर पर्टुसिस, ये तीनों डिजीजेस कवर होती है। ये एक वैक्सीन हम तीसरी तिमाही में लगाते हैं, प्लस एक स्वाइन फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा का H1N1 का वैक्सीन लगाते हैं, यदि आपने वो दूसरी तिमाही में नहीं लिया है तो। अब आपको प्रिपेयर क्या करना है आपकी बेबी के बर्थ के लिए, आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको एक, मैं हमेशा कहती हूँ प्रीनेटल क्लासेस जो है हम हमारे यहाँ भी अस्पताल में भी आपके लिए मंथली क्लास लेते हैं, हर महीने की 9 तारीख को क्लास होती है, तो आप अटेंड कीजिए उसे। अटेंड करके आपकी जो भी क्वेरीज है लेबर के बारे में, तो ये 9th मंथ में आपने ये क्लास अटेंड करना है, ताकि आपको इसमें हम आपको डिलीवरी नॉर्मल कैसे होती है, सीजर कैसे होते हैं, इसके वीडियोज है, इसके प्रात्यक्षिक है, इसके ड्रिल्स है, ये सारे हम चीजें आपको समझाते हैं दिखाते हैं, तो जैसे आप समझ ले, और फिर आपको कुछ लगता है आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वैसे ही आपके डॉक्टर से भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं। आपका एक फैमिली फ्रेंड या फैमिली मेंबर ये ऐसा देखिए करीबी कि आपके बड़े बच्चे को घर पे संभाल सके, या घर में कोई घर की केयर लेने वाला हो। वैसे तो हम इंडिया में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो इसीलिए हमें इसका इतना प्रेशर नहीं रहता है कि किसी फैमिली फ्रेंड को ढूंढ के रखना है। पर यदि आप न्यूक्लियर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। आपके खाना पीने के, आपको कौन टिफिन वगैरह का सब कुछ, ऑटो के लिए बुकिंग है, कई बार आपके घर में कार है होना जरूरी है, लेबर पेंस में आपको लेके आते समय आपको एक ऑटो वाले को बोल के रखना जरूरी है कि रात बिरात वो आपको लेकर चले, घर वालों को लेकर चले आपके साथ में, तो ऐसे बात करके रखिए आजू बाजू के, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए अस्पताल में आते समय आपको कुछ दिक्कत महसूस ना हो, आपके लिए व्हीकल तैयार हो। बाहर गाँव से आने वालों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक बार जरूर से आपके PHC पे रजिस्टर करवा लो। जब भी आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट की व्हीकल प्रधानमंत्री योजना अनुसार 108 नंबर डायल करते ही मिल जाती है, और आप अस्पताल तक पहुंच पाते हो। भले ही गवर्नमेंट अस्पताल तक क्यों ना हो, पर आप अस्पताल तक पहुंच पाते हो। ठीक है, और इस तरह आपको आपकी प्रेगनेंसी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करनी है। आपको आपका बर्थ प्लान डॉक्टर के साथ बैठ के बनाना है। आप यदि काम करने वाले हो, एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट में, आपको मैटरनिटी लीव, या प्राइवेट में भी एम्प्लॉय हो तो मैटरनिटी लीव कब से डालना है, इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस करके उस हिसाब से प्लान कीजिए कि आपको कब आना है। जहां भी आपको डिलीवरी को जाना है, मम्मी के पास रहो या यहीं है, या बाहर गांव जाना है, तो उस हिसाब से आपके सारा सिचुएशन आपको अरेंज करके रखना है। आपको बेबी किट की तैयारी करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, आपको बाकी भी सारी चीजें जैसे है, घर की भी चीजें है, नौकरों की चीजें है, या कुछ और भी चीजें है, आपको सारी चीजें देख के रखना है, ताकि डिलीवरी के समय आपको तकलीफ ना हो, ताकि आप बोल सको कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, क्योंकि कई चीजें जो है घर के जेंट्स लोग नहीं जान पाते, ये लेडीज करती है, तो लेडीज को ही पता रहता है कि कब कहाँ क्या है।
तो इसीलिए आपकी तैयारी होना जरूरी है। ठीक है, तीसरी तिमाही में जो डेंजरस चीजें है, कहाँ गलत हो सकता है, तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। यदि आपके पास में इसमें से कुछ भी है तो आपको अस्पताल में आना है, या कभी है तो आपको डॉक्टर से आपको ये जैसे समझना है, और इसमें फ्रीक्वेंट विजिट्स भी डॉक्टर कई बार आपको एडवाइस कर सकते हैं। यदि आपको खून की बहुत कम मात्रा है, या आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो गई है, या बीपी बढ़ा हुआ है, कभी बीपी बढ़ने के साथ झटके आने के सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया था कि वोमिटिंग है, सीवियर हेडेक है, नौशिया है, सर दर्द के साथ में आंखों के सामने अंधेरापन आ रहा है, दो दो चीजें दिख रही है, आपको तुरंत अस्पताल में, ये झटके आने के पहले का ऑरा हो सकता है, तो आपको तुरंत अस्पताल में जाके डॉक्टर को जाके मिलना है, रात हो या बेरात हो, कुछ भी हो। यदि पीआरओएम मतलब यदि आपका डिलीवरी का समय नहीं आया पर फिर भी आपको पानी शुरू हो गया, पेन्स नहीं शुरू है पर आपको पहले पानी शुरू हो गया, मैंने जैसे बताया लाल या सफेद पेशाब जैसा पानी का रिसाव भी वजाइना में से होना, ये अच्छी बात नहीं है, आपको अस्पताल जाना जरूरी है, ताकि डिलीवरी का, ये भी एक डिलीवरी का ही समय है, डॉक्टर आपको पेन्स के लिए इंजेक्शन देके जल्दी से जल्दी डिलीवरी होने के लिए कोशिश करेंगे। यदि आपके आवल नीचे है या आपकी आवल अच्छे से पकी नहीं है जिसकी वजह से लेट डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जैसे आपके बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, IUGR बोलते हैं, या पानी बच्चे के बाजू का कम हो गया है, या पानी बढ़ गया है, ऑलिगोहाइड्रोमियोस वगैरह, तो तब भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना जरूरी है। यदि 9th मंथ में कभी भी ब्लीडिंग होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना जरूरी है। यदि आपका डिलीवरी का समय क्रॉस हो गया है, डेट क्रॉस हो गई, आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। आपको नीचे के जगह में कभी पेन्स बहुत नहीं है, हल्के से है पर हरा सा पानी लगा है, ये चिकट हरा पीला दाग भी लगा है पैंटी पे, आपको डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना जरूरी है। यदि आपकी 9वें महीने के सोनोग्राफी में बेबी की पोजीशन यदि पायालू है, सिर से यदि फेस सामने है, या आड़ा है ऐसा बच्चा बताया है, तो इसमें भी आपके डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स बताएंगे, या इन एबनॉर्मल पोजीशन में बेबी के माल प्रेजेंटेशन और माल पोजीशन में आपको जैसे थोड़ा भी बैक एक शुरू होता है तुरंत अस्पताल में जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार यदि बच्चा आड़ा है उसकी नाल बाहर आने का डर रहता है, यदि पैर से फुटली पोजीशन में है तो नाल बाहर गिर गई तो बच्चा कभी भी पेट में ही चला जा सकता है, तो वैसा ना हो, तो इसीलिए तुरंत आपको अस्पताल में जाना जरूरी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके डिटेल जो वीडियो है जो नॉर्मल डिलीवरी और सीजर का है, और आपको ये पोजीशन के डिटेल जो है माल प्रेजेंटेशन पोजीशन प्लासेंटा प्रीविया ये किसे कहते हैं, इसका एक वीडियो मैं अलग से डालूंगी, वो एक आपको तुरंत जल्दी से दूंगी मैं, तो आप वो देख सकते हैं कि यदि इसमें से कुछ है आपको तो आपको डॉक्टर को तुरंत जाके मिलना है और ये चीजों को आपको समझना है, प्लस एक योगा का वीडियो भी आपको अलग से दूंगी। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक अच्छा किया अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।